दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं धारा 144 सीआरपीसी और कर्फ्यू कब लगाई जाती है, क्या इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्या एक है। ये सारी चीजें आप जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं 144 धारा सीआरपीसी क्या करती है। 144 सीआरपीसी में ये स्पष्ट कहा गया है, अगर किसी भी इलाके में या किसी भी जगह अगर शांति व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है या कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है तो वहां सरकार तुरंत 144 सीआरपीसी द्वारा लागू कर दी जाती है, जिससे ना तो किसी के जीवन में संकट उत्पन्न हो ना किसी लड़ाई झगड़े की संभावना हो। इसलिए तुरंत सरकार द्वारा जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट होता है वो संबंधित इलाके में धारा 144 लागू करने के आदेश दे सकता है, और उसमें 5 व्यक्ति से ज्यादा कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार 5 से ज्यादा कोई व्यक्ति इकट्ठा होता है तो उसे बिल्कुल पुलिस को यह पावर दे दिया जाता है कि उन्हें व्यक्ति को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू इससे बिल्कुल हटके है। कर्फ्यू में बिल्कुल किसी भी आपात स्थिति की आशंका हो कि यहाँ कुछ दंगे हो सकते हैं या कुछ इंसान की जान जा सकती है तो वहाँ उस स्थिति में कर्फ्यू लगा दी जाती है। कर्फ्यू में ना तो कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता है ना ही कोई व्यक्ति इधर से उधर घूम सकता है, केवल आवश्यक सामग्री ही, मेडिकल सुविधा या कुछ ऐसी चीज होने के ही बाहर निकल सकते हैं, जब तक पुलिस आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे सकती। कुछ घंटों के लिए आपको कर्फ्यू के अंदर घरों के अंदर ही रहना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार कर्फ्यू में ना तो स्कूल खुलेगी ना ही कुछ जितने भी चीजें हैं दुकान आदि, कर्फ्यू में बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये आपात स्थिति में कर्फ्यू लगाई जाती है जिससे सरकार को ये लगे कि यहाँ कुछ और होने की आशंका हो तो वहाँ कर्फ्यू सरकार द्वारा लगा दी जाती है। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि छोटी मोटी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 144 धारा का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार की आपात स्थिति हो जहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ दंगे भड़क सकती है, कुछ जाने जा सकती है, तो वहाँ तुरंत उस इलाके में कर्फ्यू का आदेश हो जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने का आदेश होता है। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ना ही स्कूल खुलेंगे ना ही दुकान खुल सकती है, इस कर्फ्यू के अंदर कोई भी अलाव नहीं है, केवल आवश्यक चीज जैसे मेडिकल 108 इस सुविधा ही उपलब्ध हो सकती है, केवल वो भी बिल्कुल जरूरी के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।